ओके, तो सीधे सीधे बात करते हैं, गंदी बाइक्स किसी को पसंद नहीं आती। अगर आप लोग भी मेरी तरह दिल्ली जैसे किसी धूल भरे शहर में रहते हो तो आप जानते हो कि धूल के अंदर अपनी बाइक को साफ रखना बहुत मुश्किल टास्क है ना। अब आप अपना कवर हर जगह तो कैरी नहीं कर सकते ना, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ चार उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जिससे आप अपनी मोटरसाइकिल्स को साफ रख सकते हैं एक शहर में रहते हुए। एंड इस वीडियो में एक गिव अवे भी है, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट टिल द एंड। Hey guys, what's up? Welcome to All About Road. मेरा नाम है प्रयास और ये है मेरी बाइक। Hi, बोल। Good. तो बिना टाइम वेस्ट के let's get on with the first thing that you can do to keep your bikes clean. Kitchen cleaner foam. अब बाइक साफ करने का कपड़ा तो देखा ही होगा ना आपने, इसे भी बस एक कपड़ा समझ लीजिए। नाम मत पूछना जनाब, लोग नाम में स्पॉन्सरशिप ढूंढ लेते हैं। ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये सिर्फ एक स्कॉच ब्राइट का फोम है, लेकिन एक किचन और बाथरूम से ज़्यादा बाइक साफ करने के काम आ सकता है। इसे बस हल्का सा गीला करो एंड दे आर परफेक्ट फॉर क्लीनिंग योर मोटरसाइकिल्स। बाइक ब्लेजर, बिकॉज हु डजंट लुक्स गुड इन अ सेक्सी ब्लेजर, राइट? अब एक बात नोटिस करो, इतने टाइम से मोटरसाइकिल कवर्स के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आई है, बट फाइनली समथिंग न्यू इज हियर, प्रेजेंटिंग बाइक ब्लेजर। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि आपकी बाइक में अटैच हो जाएगा एंड यू डोंट नीड टू कैरी योर कवर एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि कवर आप ही के साथ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गेट इन टू द यूजेज ऑफ दिस डिवाइस एंड लेट्स इंस्टॉल इट। पहले इसका सील हटा लेते हैं एंड लेट्स जस्ट ओपन इट अप। ओके fine, here's a device and here's a basic user manual. That's quite nice actually. अब देखा जाए तो डिवाइस इज रियली स्टर्डी और साथ में आपको साइड में रिफ्लेक्टर सर्फेस दे रखी है, विच इज़ रियली ग्रेट यार, क्योंकि पीछे अगर कोई बाइक आ रही है और आप रात में ड्राइव करते हो तो रिफ्लेक्टर सर्फेस ऑलवेज हेल्प। अब बाइक ब्लेजर जो है ये आपके पीछे लेग गार्ड के पास फिट होता है, और कैसे फिट होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसे ओपन करने के लिए आपको बेसिक बाइक के टूल्स चाहिए जो कि आपकी बाइक में ऑलरेडी होते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इसके बस पहले सारे पेच अनस्क्रू कर दो, टेक दिस आउट। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज पुट इट ओवर हियर। The device is ready, but my hand is dirty. This device is coated with anti-rust powder, तो जंग लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। और इसके नीचे एक ड्रेनेज होल भी है, तो इसमें पानी भी नहीं भरता, तो रिलैक्स। अब एक बार कवर बाइक पर चढ़ा के देखते हैं, let's see how it actually works. Okay, that was smooth, और कवर के क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। And let's just try wrapping the bike in this. Whoa. That's really nice. और ब्लैक कलर इज डेफिनेटली माई फेवरेट। नाउ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट इज दिस कवर इज वाटर प्रूफ। देखा, इसको वापस अंदर करने की ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, सिंपली इसे घुमाओ और इट गोज इन, इट्स दैट ईजी। दीज डिवाइसेज आर रियली चीप। अगर आप लोग बाइक ब्लेजर खरीदना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे पास ये दो डिवाइसेज हैं इस वक्त एंड दीज डिवाइसेज आर अप फॉर गिव अवे इन दिस वीडियो, तो वॉच इट टिल द एंड। द नेक्स्ट थिंग ऑन आर लिस्ट इज पॉलिश। जेंटलमैन, पॉलिश योर मोटरसाइकिल रेगुलरली, ऑफकोर्स मतलब वेरी बेसिक बट वेरी पावरफुल स्टफ, क्योंकि अगर आप लोग अपनी बाइक को रेगुलरली पॉलिश करोगे तो उस पर डस्ट पार्टिकल्स कम सेटल होंगे और आपकी बाइक देखने में बहुत प्यारी लगेगी, बिलीव मी। अब पता है ये जो स्कॉच ब्राइट फोम है ये सिर्फ पानी के साथ साफ करने के लिए नहीं, पॉलिश करने के लिए बहुत काम आती है। जस्ट शेक द पॉलिश एंड स्प्रे इट एंड यूज द फोम टू क्लीन। द
द लास्ट थिंग ऑन आवर लिस्ट टुडे इज टेफ्लॉन कोटिंग। टेफ्लॉन कोटिंग आपकी बाइक को एक स्मूथ फिनिश देता है और उसके साथ साथ आपकी बाइक के छोटे मोटे स्क्रैचेस वगैरह को भी छुपा देता है। और कमाल की बात तो ये है कि इसके बाद आपकी बाइक पर डर्ट और डस्ट जैसी चीज़ें रुकती भी नहीं है। हालांकि वन कोट ओनली लास्ट फॉर अराउंड 3 to 6 months, लेकिन इट्स रियली अफोर्डेबल। जैसे कि मेरा लास्ट कोट करीबन 7 महीने पहले हुआ था, अब तो उतर चुका है, लेकिन आई पेड अराउंड 300 rupees फॉर इट, तो इट्स वर्थ इट, राइट। अब एक काम करते हैं, गर्मी बहुत बढ़ गई है। बिफोर आई डिस्कस द गिव अवे, लेट्स गेट बैक इंडोर्स। गिव अवे, यस, मेरे पास 2 units हैं बाइक ब्लेजर की आप लोगों के लिए। एक यूनिट है यूनिवर्सल साइज सारी मोटरसाइकिल्स के लिए, फ्रॉम सीरीडॉन टू पल्सर 200 NS, और दूसरा है स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड के लिए, जो कि एक कैमोफ्लाज स्पेशल एडिशन है। अगर आप लोग इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फर्स्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज क्यों नहीं। सेकेंड, फिल आउट अ फॉर्म जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड थर्ड, शेयर दिस वीडियो ऑन एनी वन सोशल मीडिया, आपको जो पसंद आए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर यू वॉन्ट। दोस्त, आई विल अनाउंस द विनर्स फॉर दिस गिव अवे कॉन्टेस्ट नेक्स्ट वीक ऑन यूट्यूब पोस्ट, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और जहां जहां पॉसिबल होगा, मतलब फैला देंगे हर जगह, चिंता मत करो। एंड इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज वो थम्स अप वाला बटन दबा देना नीचे, क्योंकि जब आप उसे दबाते हो तो हमें खुशी पहुंचती है बहुत ज्यादा। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड अंटिल देन, just remember, it's all about the road.